तबाही मची हुई है। एयर पॉल्यूटेड है, वाटर पॉल्यूटेड है, हवाएं जहरीली है, पानी जहरीला है, खेत और खेती जहरीली है, विचार जहरीले है, वातावरण जहरीला है, और चारों तरफ इस वातावरण में इतने रेडिएशन है। ये रेडिएशन भी बहुत बड़ा पॉल्यूशन है, रेडिएशन भी बहुत बड़ा पॉल्यूशन है। दिल्ली में, गुड़गांव में, जिन और मुंबई जैसे, कलकत्ता जैसे शहरों में जिन घरों के ऊपर ये मोबाइल के टावर लगा दिए, पहले तो 50,000 1-2 लाख रुपए किराए मिलेगा, और बाद में पता लगा घर में बालक होने बंद हो गए। वो उस रेडिएशन इतना निकला, अमेरिका जैसे देश में, यूरोप जैसे देश में जहां रेसिडेंशियल कॉलोनियां होती है, वहां पर मोबाइल का टावर नहीं लगा सकते, वहां लैंडलाइन से बात करते हैं लोग घरों में ज्यादातर, और मोबाइल का टावर होता है तो बहुत थोड़ा थोड़ा आता है, वो भी घर से बाहर निकल करके कहीं इधर उधर ऐसे ढूंढना पड़ता है कि टावर कितना आ रहा है। और यहां तो दो दो मोबाइल, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, एक घर से व्यापार बिजनेस की बात करने के लिए, एक गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए, एक वाइफ से बात करने के लिए, दो दो मोबाइल साथ में रखते हैं, और उससे ये सब की हालत नहीं है, कुछ ऐसे बावड़े उनकी बात कर रहा हूं। दो दो मोबाइल दाएं बाएं रख करके सोएंगे, और थोड़ा सामने 5 फीट दूरी पर फिर वो रखा रहेगा लैपटॉप, फिर सामने रखा रहेगा टीवी। इनको आजकल की भाषा में बोलते गैजेट्स। ये गैजेट्स का इस्तेमाल कर करके सबकी इम्यूनिटी खराब हो गई है, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। कम से कम गैजेट्स का इस्तेमाल करो जितना जरूरी होता है। हम भी इतना सब ये बड़ा कारोबार चलाते हैं, इतना बड़ा संसार, इतना बड़ा प्रपंच, इतनी बड़ी सेवा है ये, इतनी बड़ी संस्था, इतना बड़ा संगठन चलाते हैं, लेकिन कम से कम गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जितना जरूरी होता है उतना ही।